उम्दा काम करते हुए, और क्लैप्स चेयर्स उल्फत मुश्ताक के लिए, और यहाँ पे जो रिबन है उसके लिए। फिर हम बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहेंगे 32RR की जो टीम है कंटिन्यूअसली हमारे। कोई नहीं, कितने मिनट में शील्ड की टीम इस मुकाबले को जीतेंगी, लेकिन शाहीन को दिखाना है दमखम और बताना है हम में भी दम है जरूर। अगर आप आउट नहीं हुए तो हम भी कहां हो जाएंगे। क्या ये मुकाबला मजबूत होगा या नहीं वो देखने वाली बात है। अच्छा खेल, बढ़िया खेल का मुजाहरा। आउट आउट यहाँ पे रनिंग फास्ट, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस। और खेल देख लीजिए, सटीम ना देख लीजिए, वाह क्या खेल, क्या खेल। और 3 मिनट हो चुके हैं। रिसेंटली खत्म किया 12 एट गर्ल्स हाई सेकेंडरी हंदवाड़ा। चलता हुआ अब क्या लगता है आपको टूर्नामेंट्स आने वाले दिनों में? जी सर बिल्कुल, गर्ल्स के लिए तो ये बेस्ट है ताकि मतलब गर्ल्स को भी ऐसा मौका मिले आगे आगे अपना टैलेंट दिखाने का, अपने एफर्ट्स दिखाने का। ऐसा नहीं है कि गर्ल्स सबसे पीछे, जितना टैलेंट बॉयज में उससे कहीं ज्यादा गर्ल्स में भी है। एंड मैं यही चाहती हूँ, इवन हम सब यही चाहते हैं कि आगे आगे भी गर्ल्स के लिए सब टूर्नामेंट्स होते रहे ताकि हम भी आगे बढ़े, हम भी स्टेट डिस्ट्रिक्ट नेशनल इंशाल्लाह खेलें। बहुत बाकी गर्ल्स हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना? उनके लिए मैं यही मैसेज देना चाहूंगी, घर बैठे बैठे आप ये अपना टैलेंट जो है ये आप जाया ना करें। आपके अंदर अगर टैलेंट है तो आप आ जाए, स्पोर्ट्स फील्ड सबसे बेस्ट रहता है। क्योंकि अगर हम देखते हैं ना, अगर हम आज की यूथ पे नजर देखते हैं, सभी डिप्रेशन में जा रहे हैं, ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, नशा कर रहे हैं, तो उससे बेटर है, उससे बचने के लिए मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि स्पोर्ट्स फील्ड में आए ताकि हम इन सब चीजों से दूर रहे और अच्छा रास्ता इख्तियार करें। जी हमें बहुत अच्छा ही लग रहा है। पहले जो है इधर गेम जो है स्पेशली वो खो खो है, खो खो में सबसे पहले जो है वो मतलब एक स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन मिलता है, एंड दूसरी बात जो है वो फिटनेस, यानी हमारी बॉडी जो है मतलब वो फिट रहती है, हेल्दी एंड फिट रहती है। हमें स्पोर्ट्स में पार्ट लेना चाहिए क्योंकि इससे हमें क्या फ़ायदा है, इससे हमारी जो बॉडी है वो फिट रह सकती है, हेल्दी रह सकती है, और हम जो डिजीज से है वो बच सकते हैं। अगर आप बाकी लड़कियों की बात ना चाहते हैं, मैं उनके लिए यही मैसेज देना चाह रही हूँ, जो ये ख्याल है उनका इसे दिमाग से निकाल दो, ये भूल ख्याल है उनका। जो खोखो इससे हमारी बॉडी फिट रह सकती है, हम डिजीज से बच सकते हैं। नो कौन कहता है खोखो ये बहुत अच्छी गेम है, डिसिप्लिन सबसे पहले हम डिसिप्लिन का मुजाहरा देखेंगे। डिसिप्लिन जो है हमें बहुत मिलता है स्पोर्ट्स से स्पेशली जी आने वाले दिनों में, और आजकल वैसा जमाना नहीं रहा है तो हमें स्पोर्ट्स में पार्ट लेना चाहिए। अपने इस ग्राउंड में आ जाओ और अपने आप को दिखाओ कि खुद हम क्या कुछ नहीं कर सकते। जी आज हमने यहाँ पे फर्स्ट टाइम खो खो का टूर्नामेंट करवाया था जो रफियाबाद वुमेन्स खो खो के नाम से था, जिसमें काफ़ी सारी टीमों ने पार्टिसिपेट किया और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी हुई। यहाँ पे दिखी कि कहीं ना कहीं लड़कियों में ये टैलेंट भी है जो अभी तक किसी ने बाहर लाने की कोशिश नहीं की थी। तो आज हमने यहाँ पे ये टूर्नामेंट कराया, फर्स्ट टाइम हुआ शायद ये सोपोर में ही नहीं बल्कि पूरे नॉर्थ कश्मीर में फ़र्स्ट टाइम खो खो का टूर्नामेंट हुआ, और मैं बहुत खुश हूँ कि हमारी जो इंडियन आर्मी है जो हमें हर वक्त इस चीज़ के लिए सपोर्ट करती है कि हम लड़कियों का टैलेंट आगे लेके आए। अगर देखेंगे तो बॉयज़ हर वक्त तो खुद से प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन जो आर्मी इस टाइम हेल्प कर रही है हमें लड़कियों का टैलेंट आगे लाने के लिए, वो बहुत
हमारे लिए बहुत अच्छी है, अच्छा दिखता है और हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है कि इंडियन आर्मी हमें सपोर्ट कर रही है इस चीज़ को लेके। और मैं यही बोलना चाहूँगी कि मैं हर वक्त ये बोलती रहती हूँ कि हमें सिर्फ हमारा टैलेंट यहाँ रफियाबाद यहाँ सोपोर में नहीं दिखाना है, हम चाहते हैं कि हमारी खो खो टीम्स जो आज उन्होंने पार्टिसिपेट करा उनको आगे भी ले प्लेटफॉर्म मिले, आगे भी हम उनको लेके जाए। बिल्कुल, अगर हम देखेंगे बहुत सारे गर्ल्स जो थी बहुत सारी ऐसी कि जिनमें बहुत अच्छा टैलेंट था इसमें खो खो की टीम ये गेम को लेके, बट बदकिस्मती ये है कि उनको प्रैक्टिस नहीं मिल रही है, उनको कोच नहीं अवेलेबल है यहाँ पे। वॉलीबॉल का तो ऑलरेडी अब देखते हैं कि बॉयज़ को देख के इंस्पायर हो रहे हैं, लेकिन जो खो खो की गेम है ये कहीं ना कहीं बॉयज़ में भी लैक हो रही है। लड़कियों में तो इसका टैलेंट है कोर्ट कोर्ट के बड़ा है, बट मैं चाहती हूँ कि इनके लिए कोई कोच कोई एकेडमी ऐसी खुले जहाँ पे ये प्रैक्टिस करेंगे, जहाँ पे इनका फ्यूचर, हम जो कहते हैं कि हमें फ्यूचर लड़कियों का बनाना है, मैं चाहती हूँ कि खो खो की गेम को लेके भी यहाँ कहीं ना कहीं एक एकेडमी होनी चाहिए डिस्ट्रिक्ट बारामूला में, जिसमें हमारी बच्चियाँ प्रैक्टिस करके आगे अपना ये टैलेंट दिखा सके।